हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का टेक्निकल नहा यूट्यूब चैनल में। तो गाइस आज हम करने वाले ओप्पो E15 की अनबॉक्सिंग का भी दिखाएंगे गाइस। तो इसमें क्या क्या है और वो भी बताएंगे गाइस। तो गाइस आगे बढ़ने से पहले की बात कहना चाहूँगा, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, अच्छा सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे सबसे पहले। तो गाइस यहाँ पर हम दिखाने वाले हैं ओप्पो E15। तो गाइस हम जो है 3 GB रैम एंड 32 GB मेमोरी वाला जो है ओप्पो E15 लेके आए हैं गाइस। तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइस ओप्पो E15 3/32, यहाँ पे सारा कुछ है हमारा जो। तो गाइस इसमें भी देख सकते हैं, इसमें फिंगरप्रिंट है एंड 3 कैमरा है, एक टॉर्च लाइट है यानी फ्लैश बोलते हैं बहुत से लोग, बट हम गांव की भाषा में बोल रहे हैं। तो चाहे गाइस ओपन करते हैं इसे, तो दिखाते हैं इसमें क्या क्या है। तो गाइस इसे वो थोड़ा रोक के नहीं है ओपन करते हैं। जैसे गाइस हमने ये ओपन कर लिया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें कुछ नहीं है, हमने ये खोल लिया है ओपन। तो इसे करते हैं ओपन, तो इसके बाद में इस तरह का इंटरफेस आएगा। ये ओप्पो की तरफ से एक पर्ची दी गई है जो सिम डालने के लिए गाइस। तो बट आप देख पा रहे हैं, आप सोच रहे होंगे मोबाइल कहाँ है। तो गाइस मैं जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मेरा यही मोबाइल है। तो गाइस इसकी भी स्क्रीन दिखाएंगे हम। तो गाइस आप देख पा रहे हैं इसके साथ में एक चार्जर, डाटा एंड एडाप्टर दिया गया है इसके साथ में। और गाइस यहाँ पे एक चीज़ और दी गई है गाइस, इसका जो कवर भी दिया गया है ओप्पो E15 का। तो गाइस आप फोन का फ़ोटो देखने के उस समय तो हम फोटो भी दिखा देंगे आपको। तो गाइस देख सकते हैं फिंगरप्रिंट। तो गाइस चलते हैं स्क्रीन पर, दिखाते हैं आगे प्रोसेसिंग आपको। तो गाइस यहाँ पे हम आ चुके हैं ओप्पो E15 की स्क्रीन पर। तो गाइस आपके सामने भी आप लेके आएंगे तो आपको भी इस तरह का देख सकते हैं। तो ओप्पो E15 इस तरह दिखता है। तो गाइस यहाँ पे जो सेटिंग वगैरह वगैरह, तो गाइस तो यहाँ पे आपको जो गूगल वन यूट्यूब YT म्यूजिक, तो आपको सब कुछ मिलेगा यहाँ पे गाइस। तो गाइस यहाँ पे सेटिंग में जाके बताते हैं आपको सारा कुछ। तो यहाँ पे हम सेटिंग में चलते हैं और बताते हैं इसमें क्या क्या जो है फीचर दिए गए हैं। तो यहाँ पे सेटिंग, तो इस पर क्लिक करते हैं। तो गाइस यहाँ पे बता देते हैं कस्टम एग्री मल्टीप्लेट, इससे आप जो है गाइस ऐप का जो है लोगो बल ऐप के लोगो को जो सही से कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आपको जो पसंद आए लोगो आप उस प्रकार कर सकते हैं। तो बट आप हम इसे ही अप्रूव कर देते हैं, तो हमारा जो अप्रूव हो चुका है गाइस। तो आप देख सकते हैं, तो इसके बाद में यहाँ पे साइनिंग यानी कि आपको जो अपनी जी मेल से, तो ये फ्लाइट मोड, मोबाइल सिम डाटा, वाईफाई, ब्लूटूथ एंड यहाँ पे हॉटस्पॉट कनेक्टेड, यहाँ पे आता है नोटिफिकेशन है बार, तो यहाँ पे स्टेट बार, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं।
गाइस यहाँ पे हमारा जो है, एक सेकेंड, उसके बाद आता है हमारा जो है डिस्प्ले ब्रश। तो यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, यहाँ पे बताते हैं। तो यहाँ से आप जो है ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं, घटा भी सकते हैं। तो यहाँ पे आप ऑटो भी कर सकते हैं, यहाँ से ऑटो ऑन कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा इस। तो बट यहाँ पे हम बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ यहाँ पे ये 30 सेकंड का ऑफ ऑन दिया गया है, ऑटो स्क्रीन ऑफ, 30 सेकंड बाद अपने आप जो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी। तो स्क्रीन डिस्प्ले, तो कैमरा डिस्प्ले भाई था एफ, तो फुल स्क्रीन डिस्प्ले भाई था एफ, तो जो एफ है। तो हम स्क्रीन मोड सेट फुल ओवर, तो सेट फुल ओवर पर करते क्लिक। तो यहाँ पे जो है आप जो वाला लगा सकते हैं। यहाँ से हम गैलरी में पहुँच गए गाइस, तो यहाँ से कोई भी सा भी एक ले लेते हैं। तो बट रहने देते हैं, बाद में आप कर भी सकते हैं। तो यहाँ पे यहाँ से आके आप सेट अपना फ्लोवर लगा सकते हैं। तो यहाँ पे बात आता है होम स्क्रीन लॉक, तो होम स्क्रीन लॉक, तो यहाँ पे हम मोड, तो यहाँ से आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। यहाँ से हम अप्रूव कर देते हैं। तो यहाँ से ये इस तरह का इंटरफेस आएगा, बट वो ठीक था। तो हम स्क्रीन, अब जो है इस तरह का प्रकार, उसके बाद आता है इस तरह का पावर। तो इसका पता नहीं गाइस, तो आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। इसमें इस तरह का इंटरफेस देखते क्या आप चेंजेंगे, तो हमें कुछ चेंज नहीं दिखा है। तो यहाँ पे हम ऑफ ही करते थे इसको। ऐप एनिमेशन स्पीड, तो यहाँ पे नॉर्मल फर्स्ट, तो सेट थीम, तो यहाँ पे आप सेट थीम भी कर सकते हैं, यानी कि इस तरह के आपको जो डाउनलोड करके अप्रूव करने के लिए आ जाएंगे। तो आपको जो पसंद आए आप कर सकते हैं। तो उसके बाद आता है साउंड, साउंड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे साइलेंट है। यहाँ पे डायल पैड, तो टॉर्च साउंड ऑफ है यहाँ पे गाइस, तो यहाँ से आप टॉर्च ऑफ साउंड ऑन कर सकते हैं। तो लॉक स्क्रीन साउंड, ब्रांच रिटर्न ऑन टॉर्च साउंड, स्क्रीन साउंड, तो यहाँ पर रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन दिया गया है इस। तो बैक ले लेते हैं। उसके बाद डू नॉट डिस्टर्ब,
तो इसके तो इससे लोकेशन बंद हो जाएगी आपके फ़ोन की जो है गाइस। तो यहाँ से आप जो स्पीड लगा सकते हैं। बट आपको दिखाने के लिए जो है हम जो दिखा रहे हैं, तो गाइस यहाँ पे हम लॉक लगा लेते हैं। बट यहाँ पे हम ऑफ भी कर देते हैं। यहाँ से जो है अपना लॉक जो है चेंज कर सकते हैं गाइस। एड फेस एस एड फिंगरप्रिंट भी कर सकते हैं गाइस। इसके बाद में गाइस ये आता है फिंगरप्रिंट फेस एंड पासवर्ड। तो यहाँ से आप सेट पासवर्ड भी कर सकते हैं, फिर जो चाहे आप प्राइवेट सेल। तो यहाँ पे हम कुछ भी आप जो अपने पसंद का जो पासवर्ड रख सकते हैं। तो उसके बाद होता है जब पे आता है कोनी टूल, तो उस पर क्लिक करते हैं। तो इस पर देखते हैं गाइस इस पर क्या है। तो हमें इसका कोई समझ में नहीं आया। तो यहाँ से आप जो गाइस, हाँ तो यहाँ पे नवीनीकरण बटन, तो यहाँ से आप बटन को भी चेंज कर सकते हैं, आपको मनपसंद बटन कर सकते हैं। तो आप इधर उधर कर सकते हैं अपने बटन। अपने बटन जो है बट यहाँ से बैक लेते हैं दोबारा से। तो ऊपर को सिलेक्ट करेंगे तो इस सर निकलेंगे। तो गाइस इसे आप अपने हिसाब से जो कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे यहाँ पे स्मार्ट जस्ट पे करके कर दिखाते हैं। तो गाइस फिर ले लेते हैं गाइस, आप चाहे तो आप कर सकते हैं। जो था आपको दिखाने के लिए गाइस हम छोटी सी वीडियो बना लेते हैं। तो हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता, तो हमको दिखा दे रहे हैं आपको गाइस। बस आप देखते रहिए OPPO E15।
तेरे ये तो बहुत खतरनाक सेटिंग से इसकी गाइस बैटरी बैकअप में। वैसे से जो है 100 बैटरी परसेंट चेंज ऑन स्टेटस यहाँ से जो है। बट उसके बाद इसके नीचे लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं, एंड्रॉयड सेटिंग, स्टोरेज स्क्रीन, जाते सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हैं गाइस। अबाउट फोन में जाके यहाँ से आप देख सकते हैं कौन सा मॉडल है। ओप्पो A15 10 3 GB रैम, 32 मेमोरी जितने वेरी हुए हैं। एम स्निप तो याद है, स्क्रीन शॉट लेने के लिए 3 फिंगर। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही।